ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के नोट्स और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के नोट्स, यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोस, मोटिवेशनल कोट्स ऑनलाइन तथा लेटेस्ट न्यूज के लिए सक्सेस प्लेस क्लास के टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या आप टेलीग्राम पर सक्सेस प्लेस क्लासेस सर्च कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर जो की काफी बेहतरीन है, आप किसी भी गिरावट में इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें मार्केट की कंडीशन का। देखिए अभी जो मार्केट है अभी भी वो बुलिश है, मार्केट जो है अभी भी स्ट्रॉन्ग रूप से बुलिश है, अभी मार्केट में कोई वीकनेस नहीं आया। अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन खींचते हैं, देखिए ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट लाइन है। अभी तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट साइडवेज भी नहीं हुआ, बल्कि ये बुलिश ही है। जब तक मार्केट साइडवेज होता है, साइडवेज होने के बाद फिर करेक्शन होता है, तब हम मार्केट को वीकनेस में कहेंगे। अभी तो मार्केट पूरी तरह से बुलिश है। इस ट्रेंड लाइन को मतलब ये ट्रेंड लाइन जो है वो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, और इस ट्रेंड लाइन पर आता है मार्केट फिर से ऊपर की ओर मोमेंटम दिखाता है। और पिछला जो यहाँ पर रेसिस्टेंस था 17,950 उसको भी क्रॉस कर गया और वहाँ पर सस्टेन थोड़ा नहीं कर पाया, लेकिन आज फिर से सस्टेन किया है। तो 18,000 के ऊपर थोड़ा सस्टेन करना काफी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर देखिए मार्केट का जो ये बुल रैली है जो कि 2020 मार्च की गिरावट के बाद शुरू हुआ है, यहाँ पर अभी कोई भी वीकनेस हमें नहीं देखने मिला। यहाँ पर भी मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज था जून जुलाई में, यहाँ पे भी देख सकते हैं ये मार्केट यहाँ पर सिर्फ ये टाइम वाइज करेक्शन हुआ, कोई प्राइस वाइज करेक्शन नहीं हुआ। फिर यहाँ पर एक करेक्शन था, ये भी करेक्शन जो है थोड़ा सा प्राइस वाइज हुआ और ज्यादातर टाइम वाइज करेक्शन ही था। यहाँ पर देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस लाइन था और यहाँ पर एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी बना रखा था, और यहाँ पर देख सकते हैं ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन था। यहाँ से थोड़ा सा प्राइस वाइज करेक्शन और थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन हुआ। देखिए प्राइस वाइज कहते हैं कि थोड़ा सा प्राइस में गिरावट देखने मिला और काफी लंबे समय तक यहाँ पर टाइम लिया मतलब इस रेसिस्टेंस को क्रॉस करने में, तो ये टाइम वाइज और थोड़ा प्राइस वाइज करेक्शन भी हुआ। उसके बाद यहाँ पर तो लगातार बुल रैली आते जा रहा है, थोड़ा सा मतलब करेक्शन दिखाता है, फिर से जबरदस्त रैली, थोड़ा सा मतलब करेक्शन दिखाता है, जबरदस्त रैली। यहाँ पर देखते हैं ये मार्च 24-25 मार्च को यहाँ पर मतलब लो बना था, वहां से वन साइडेड मार्केट ऊपर की ओर ही गया है। तो देखिये मार्केट को हम ज्यादातर जो है चार्ट पे ही फॉलो करते हैं, जब तक मार्केट में वीकनेस नहीं आ जाए तब तक आपको अपना पोर्टफोलियो एग्जिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो रैली होता है वो स्टॉक्स एक एक दिन में 20% और एक सप्ताह में तो कई सारे स्टॉक्स डबल भी हो जाते हैं, तो ये है बुल रैली। तो उसी में आज जो स्टॉक्स आपको बताने जाए वो है रेडको खैतान। इस स्टॉक्स ने भी पिछले 2 से 3 दिनों में 50% का रैली किया है, इतनी जबरदस्त रैली 40% से 50%। अगर इसके बिजनेस की बात करें, लिक्कर का बिजनेस है जिसके बारे में हम पहले भी बात किए हैं, इंडियन मेड फॉरेन लिक्कर बनाता है कंपनी और इंडियन ब्रांड है, तो कंपनी पूरी तरह से देसी है, प्रोडक्ट विदेशी भी बनाती है, देसी प्रोडक्ट भी बनाती है। और इसका कंपनी का जो कई सारे मिलीनियर ब्रांड है, यहाँ पर देखते हैं 8 PM विस्की जो है इसका मिलीनियर ब्रांड है, और कई सारे ब्रांड है कंपनी के पास, जैसे देखिए रम है, व्हाइट स्पिरिट है, विस्की है, तो इस तरह के कई सारे मतलब कंपनी के पास ब्रांड है जो कि कंपनी का काफी पॉपुलर है मार्केट में। और दूसरी बात आप जानते हैं जिसको एक बार इसका एडिक्शन हो गया दारू को पीने का, शराब पीने का, विस्की पीने का, तो फिर ये एडिक्शन खत्म नहीं होता है, चाहे आप उसको बैन कर दें कुछ भी हो जाए, जैसे हमारे बिहार में भी बैन है और गुजरात में भी बैन है। तो चलिए ये दूसरी बातें होगी, हम यहाँ पर स्टॉक को डिस्कस करते हैं। तो इसका मार्केट कैप 13,000 करोड़ का है, डिविडेंड यील्ड 0.23% है, यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल 15% ज्यादा है। देखिए हर पैरामीटर्स पे स्टॉक्स आपको बेहतरीन मिलेगा, प्रमोटर्स होल्डिंग कम से कम 40% लेते हैं, वो भी है, कोई से प्लीज भी नहीं है, डेट भी काफी कम है, डेट इक्विटी मात्र 0.15 का, टोटल डेट 273 करोड़ का, जबकि रिजर्व 1,766 करोड़ का, नेट प्रॉफिट 293 करोड़ का। हर पैरामीटर्स पे आपको कंपनी काफी बेहतरीन और काफी सॉलिड मिल रही है। वहीं टॉप लाइन ग्रोथ की बात करें तो सेल्स का जो ग्रोथ है 466 करोड़ का था 2006 में, जहां से लगातार इंक्रीज हुआ है और 2,384 करोड़ का यहां पर सेल्स हो चुका है 21 में। नेट प्रॉफिट मात्र 45 करोड़ का था 2006-07 में, जो कि बढ़कर क्यों गया 277 करोड़ का। इस तरह से टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ कंपनी का काफी जबरदस्त है। बात करें यहाँ पर बैलेंस शीट का, शेयर कैपिटल मात्र 27 करोड़ का, रिजर्व जो है कंपनी का लगातार बढ़ा है 2006 में मात्र 124 करोड़, जो कि बढ़कर हो गया 1,766 करोड़ का। और वहीं पर बोरिंग की बात करें, कंपनी अपना डेट जो है लगातार रिड्यूस किया है, 273 करोड़ का मात्र डेट है, जबकि पहले ज्यादा हुआ करता था। अब बात करें कंपनी का जो कैश फ्लो है, देखिए कैश फ्लो काफी इंपॉर्टेंट होता है, कंपनी के पास
बिजनेस तो कर रही है, लेकिन बिजनेस से कंपनी कितना रुपया जनरेट कर पा रही है, कितना रुपया जो अपने पास लेके आ पा रही है। देखिए कैश फ्लो लगातार पॉजिटिव है 2017 से, और लगातार कैश फ्लो यहाँ पे बढ़ा भी है। 2020 में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था, लेकिन 2021 में फिर से जबरदस्त बाउंस बैक, 377 करोड़ का नेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट किया है। अब बात करें इन्वेस्टर सेक्शन का, प्रमोटर्स का स्टेक लगातार कॉन्स्टेंट इसमें बना हुआ है, तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी जो है काफी बेहतरीन दिख रही है। तो हम चलते हैं अब चार्ट पे। देखिए हम मुख्य रूप से स्टॉक को चार्ट पे ही फॉलो करते हैं, जब तक चार्ट पे स्टॉक्स वीक ना हो, देखिए जब तक स्टॉक चार्ट पर वीक ना हो तब तक आप उस स्टॉक से एग्जिट करने के लिए मत सोचिए। यहाँ पर देखते हैं ये स्टॉक्स काफी जबरदस्त, ये इसका रेसिस्टेंस था और यहाँ पर ये सपोर्ट था, तो सॉरी यहाँ पर सपोर्ट था, ये सपोर्ट के ऊपर से ही सपोर्ट लेकर के स्टॉक्स ऊपर चला गया। अगर यहाँ पर बात करें तेजी का, तो एक सप्ताह में ये कितनी तेजी दिखाया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो तेजी है एक सप्ताह में तेजी, ये 40% के पास है, 39% यहाँ पर आपको दिखा रहा है लगभग, मतलब 40% के आसपास का ये तेजी है। तो काफी जबरदस्त स्टॉक ने तेजी दिखाया और लगातार ये स्टॉक्स बुलिश रहा है, और लगातार मैंने इस स्टॉक को रिकमेंड भी आपको किया है। अगर आप यहां देखेंगे तो 2020 की गिरावट में ये स्टॉक्स मात्र 230 रुपया, मात्र 230 पे मिला था, अभी ये स्टॉक्स 1200 के आसपास पहुंच चुका है। देखिए 1200 को टच भी कर चुका है, 1215 रुपीज इसका हाई है। तो आप समझ सकते हैं कितना जबरदस्त रिटर्न है, लगभग यहां पर जो स्टॉक्स रिटर्न दिया है वो लगभग सिक्स टाइम्स का रिटर्न दिया है, तो काफी सॉलिड है। तो ऐसे स्टॉक के साथ जरूर बने रहिए। अगर आप इसके लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो भी काफी सॉलिड है, मतलब आप वीकली चार्ट लगा लीजिए, वीकली चार्ट पे भी आप इसको फॉलो करेंगे तो भी देखिए स्टॉक काफी सॉलिड रहा है। अगर कि यहाँ पर वीकली चार्ट में बात करें तो ये स्टॉक 2018 से ही कंसोलिडेट हो रहा था, 2020 के गिरावट में ये अपने कई सालों के न्यूनतम प्राइस पे मिला था जहां पर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे। अब देखिए 2020 में जो ये अपना लो बनाया, उससे पहले ये अपना हाई बनाया था लगभग 500 रुपीज का, और ये 500 का जो रैली था वो रैली 500 तक गया था, मात्र 80 रुपीज से स्टार्ट होकर के। तो यहाँ पर देखते हैं जब ये स्टॉक्स रैली करता है काफी जबरदस्त करता है। उससे पहले 2009 की गिरावट में स्टॉक मात्र 54 रुपीज 55 का मिला था, वहां से 185 का रैली किया था। फिर ये स्टॉक्स यहाँ पर 2003 के बुल रैली में ये स्टॉक्स जो है 5 रुपीज 4 रुपीज से जो है 216-220 रुपीज तक का रैली किया था। काफी जबरदस्त स्टॉक्स है, इसका चार्ट पे आप इसके पूरे हिस्ट्री को देखते हैं किस तरह से इसमें प्राइस मूवमेंट रहा है, तो ये प्राइस मूवमेंट दिखाता है कि इसको हायर लेवल पे आपको बाय नहीं करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं तो कभी साइकिल रिवर्स होता है, क्योंकि जैसे लिक्वर सेक्टर है कई सारे मतलब सिनेरियो आते रहते, कहीं लिक्वर बैन हुआ कंपनी का, कहीं कोई प्रोडक्ट बैन हुआ, तो उससे कंपनी में एक हमें कनेक्शन देखने मिलता है। देखिए ओवरऑल बिजनेस जो है वो उसमें एक टेम्प्रोरी कोई गिरावट आना चाहिए, परमानेंट रूप से बिजनेस में कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तभी वो स्टॉक्स फिर से रिकवर करेगा और फिर से इस तरह का तेजी दिखाएगा जिस तरह से यहाँ पर 2020 के गिरावट के बाद दिखाया इस स्टॉक्स ने। तो हमेशा यह बात याद रखना है बिजनेस में कोई भी परमानेंट बेसिस कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, उसी स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना है गिरावट होने पर। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि किस तरह के स्टॉक्स को आपको सिलेक्शन करना है, जिसमें से रेडिको खैतान एक काफी जबरदस्त स्टॉक्स आपके साथ मैंने शेयर किया, काफी जबरदस्त इसका चार्ट है। और अगर आप चार्ट को देखने के लिए सीखना चाहते हैं तो कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखिए, कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न क्या इंडिकेट करता है और किस तरह से बुलिश पैटर्न को हम देखते हैं, बेरिश पैटर्न को, जो आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो फिर इसी तरह के एजुकेशन वीडियो के साथ हम आएंगे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।